मित्र नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत। मैं दोस्तों लेके आ गया हूँ कि ऐसी अगर आपके घर में पाइप पड़ी हो, जब भी कब काम होता है हमारे घर में तो ऐसी पाइप बची रह जाती है और वो इधर उधर कबाड़ी ले जाता है या घर में फेंकी पड़ी रहती है। तो आज मैं बताऊँगा इसका यूज़ करके हम लोग कैसे एक शानदार गमला बना सकते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। इस पाइप से बस केवल इसको काटना और थोड़ा सा सजाना है और आप उससे बहुत ही अच्छा गमला बना सकते हैं और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं, इस पाइप पे हम निशान बना लेते हैं। ये देखिए हमारी पाइप है, 3 इंची की पाइप है। इसको आधा आधा निशान लगा लेंगे जिससे हमें काटना है। ये देखिए अप्रॉक्स आधा इधर है आधा इधर है, तो हमने ये निशान लगा लिया यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे, और इसी तरह इस तरफ भी लगा लेंगे। देख के बराबर हो आपका साइन, ये देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब इसी साइन से इसको हम आगे बढ़ा लेंगे जितना लंबा हमको लेना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से ले लेंगे। अब इस तरीके से हमने निशान लगा लिया, अब हम इसी के ऊपर काट देंगे बराबर बराबर। तो देखिए ये दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लेड है, इसी के थ्रू हम काटेंगे। अगर आप दोनों एक साथ काटेंगे तो बराबर कटेगा ये। तो दोस्तों आप भी इसको आराम आराम से ऐसे काटिएगा। देखिए इस तरीके से हमने काट लिया, दो टुकड़े हमारे पास हो गए। अब हम इसके दो टुकड़े और करेंगे आधे आधे, तो इस पर भी हम लोग निशान ले लेते हैं। देखिए हमारी पाइप करीब 18 इंची दो सूत की है, तो हम लगा लेते हैं 18 का आधा हो गया 9, 9 इंची एक सूत, इसी तरह से 9 इंची एक सूत पे इस पर भी लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको हम आधा आधा काट देंगे यहीं से। ये देखिए दोस्तों अब आप भी इस तरीके से इसको सेंटर करके काट लीजिए। ग्राइंडर हो आप उससे ग्राइंडर से भी काट सकते हैं। ये देखिए कट गया चारों, ये देखिए 1 2 3 4। अब हम इसी में इसके साइड में सपोर्ट लगाएंगे जिससे मिट्टी आपकी रुक सके। तो दोस्तों इसमें साइड में सपोर्ट लगाने के लिए आपके पास ऐसे डिब्बे हों, कोई ढक्कन हो प्लास्टिक के, तो उसको बस ऐसे यहाँ देख लीजिए और एक साइज ले लीजिए। तो इसके हिसाब से हमने देखिए ये इस तरह से कटिंग कर ली। अब हम इसको एक ग्लूगन से इस तरह से चिपका देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्लूगन से कैसे चिपकाना है। इस तरह से इसके किनारे पर ग्लूगन से आप ये लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो टुकड़ा है उसको नीचे से बराबर रखते हुए इस तरीके से लगा देंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट के अंदर की तरफ लगा देंगे, अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से फिल कर लें जिससे ये बाद में निकले ना। ये हो गया, इसको दूसरी तरफ भी लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने चारों इस तरीके से तैयार कर लिए। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। जैसे ये एक्स्ट्रा भाग निकले हुए हैं इन सबको आराम से अच्छे से कैंची से काट लेंगे। जैसे चलिए हम काट लेते हैं। ये देखिए ये है कैंची लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा भाग है इसको इस तरीके से काट लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा इधर बाहर की तरफ है उसको भी काट लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम ड्रेनेज होल बना लेते हैं इन सब के अंदर और आराम से फिट कर दीजिए। दूसरी तरफ भी ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया छेद। अब हम सारे ड्रेनेज होल बना लेंगे सारे पाइपों में। दोस्तों देखिए हमने इसमें ड्रेनेज होल बना लिए। अब हम इसमें हैंग करने के लिए छेद बनाएंगे, इसको इस तरीके से लटकाना एक के ऊपर एक, उसके लिए भी छेद बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों हम सारे जो है हैंगिंग के भी छेद और ड्रेनेज के छेद इस तरीके से बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको हैंग करने के लिए ये रस्सी ले लेंगे और इसी रस्सी को इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं इसको किस तरह से रस्सी लगानी है। तो दोस्तों ये देखिए इसके रस्सी के एंड को एक इसके छेद के अंदर डाल लेते हैं।
और एक इसके एंड में डाल लेते हैं और इसको खींच के बराबर कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे अभी हमारा बराबर हो जाएगा तो हम नीचे से रस्सी काट देंगे। दोस्तों ये देखिए हमने अपने रस्सी के अंदर ये डाल लिया है, लेकिन इसमें जब आप डालेंगे तो एक दिक्कत आएगी, ये एक तरफ को गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से बराबर भागों में बांटना है और किस तरीके से सेंटर करना है, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे और ये सेंटर से गुजारेंगे तो ये अपने आप तिरछा होने लगेगा। तो मैं आपको ये पूरी प्रोसेस करके बताता हूँ किस तरह से सेंटर करना है और किस तरह से इसको बराबर भागों में बांटना है। बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों इसको यहाँ से अलग अलग तरीके से गांठ लगा के बांट सकते हैं, गांठ लगा दें, गांठ लगा के इसको बराबर कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका जो मैं अपनाने जा रहा हूँ उसमें हम इसी रस्सी के अंदर कील थोड़ा सा घुसा के सपोर्ट लगा देंगे। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने ऐसी लकड़ी ले रखी है बराबर दूरी के लिए, तो हम इसको इस अपने पहले सेंटर वाले से नाप लेते हैं, इतनी दूरी पर हमको ये लगाना है। तो इस तरीके से नाप लिया, अब देखिए हमारी कील यहीं पे आ जाएगी, तो इस कील को हम यहाँ घुसा देते हैं हल्के से। इसी तरीके से दूसरे वाला जो सपोर्ट है उसमें भी यहाँ से नाप के कील को हम लगा देते हैं। कील को लगा दिया, अब कील को लगा के देख लेंगे बराबर है कि नहीं, उसके बाद फिर हम इसको फेविक्विक से जाम कर देंगे। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा डिसबैलेंस है, देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा खींच के बराबर कर देंगे। अब हम इसमें फेविक्विक डाल के इसको जाम कर देंगे इस तरीके से। अब ये कील आपकी यहाँ पे जाम हो जाएगी। दोस्तों देखिए इस तरीके से अब हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए दोस्तों ऐसे ही हम बांस की कुछ क्लिप्स ले लेंगे या बांस की कुछ पतली डंडी हो आपके पास वो ले लीजिए, उसको इस तरीके से हम सेंटर करेंगे जिस तरीके से हमने एक में कर रखा है, और अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से हमने ये ले ली बांस की कुछ क्लिप्स हैं, हमने काट के बना लिया, इसको इसके बराबर रखना है जिससे ये टाइट रहे और ये इधर उधर ना भागे, सेंटर में बैलेंस रहे। तो ये जो आपकी रस्सी है इसके अंदर इसको बैलेंस करने के लिए इस जो हमने बांस की क्लिप बनाई है इसको इसके अंदर डालें और सावधानी पूर्वक इसके अंदर ऐसे फंसा दें, और फंसाने के बाद इसको इधर सेंटर में कर दें आखिरी पॉइंट तक। ये देखिए हमने कर दिया, इससे क्या होगा आपकी रस्सी भागेगा नहीं आपकी ये प्लास्टिक की पाइप। और इसको कसने के लिए इसमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल दें, अब इससे आपकी ये रस्सी भी जाम हो जाएगी और ये आपको कहीं भागने भी नहीं देगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से हमने इसको सेंटर कर लिया, अब हम इसके दो भाग और हैं उसको भी लगा देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है, और इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब हम इसमें मट्टी भरेंगे, मट्टी भर के अपने पौधे की प्लांटिंग और करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर इसी तरह से हम आपको DIY क्रिएटिव दिखाते रहेंगे अपने चैनल पे। तो दोस्तों चलिए अब हम इसमें मट्टी भरते हैं, फिर और आपको करके दिखाते हैं आगे ये और कैसा दिखता है। तो दोस्तों देखिए हमने ये अपना हैंग कर लिया है एक जगह पे, आप भी ऐसे हैंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं उस पे दिए के टुकड़े हों आप रख दें, जिससे कि पानी बाहर हो जाए और मिट्टी ना गिरे। इसी तरीके से आप सब पे रख लेंगे, ये देखिए हमने रखे हुए हैं सब पे, और उसके बाद आप इसमें मिट्टी डाल लेंगे, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए आपकी इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक हैंगिंग प्लांटर बन के तैयार हो गया। इसमें हमने डायंथस लगा रखा है, जेड बोनसाई लगा रखी है, या आप क्या नाम से इसमें पोर्चुलाका या टेनो क्लॉक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी छोटे पौधे लगाइए जो हर टाइम चलते हैं और इसमें हर समय फूल बने रहेंगे। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने बनाया जो प्रोसेस फॉलो की है आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करिए और इस तरह का DIY प्लांटर बनाइए आप भी इस अपने बचे हुए पाइप से। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।